50% कमीशन वाले ट्वीट पर प्रियंका गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। वीडी शर्मा ने कहा है कि प्रियंका गांधी के ट्वीट पर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच प्रियंका गांधी का एक ट्वीट जो है वो उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। क्या है ट्वीट, आपको बताते हैं। दरअसल प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके लिखा था कि मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिल रहा है। कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। आगे प्रियंका गांधी ने लिखा है कि कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर किया। मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाएगी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट किया, जिसके बाद कमलनाथ से लेके तमाम दूसरे मध्य प्रदेश के नेताओं ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया था, जिसमें यह एक पत्र के जरिए आरोप लगाया गया, जो कि पत्र सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसकी एमपी तक पुष्टि नहीं करता है। उसको लेकर आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही जो बिल्स हैं वो पास हो रहे हैं, भुगतान किया जा रहा है। इस पर अब प्रदेश की सरकार बीजेपी एक्शन लेने वाली है। आपको बता दें कि वीडी शर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि वो जो है प्रियंका गांधी के खिलाफ एक्शन लेंगे, उनके इस ट्वीट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। वीडी शर्मा ने कहा कि मिस्टर बंटाधार और करप्शन नाथ को सत्ता की इतनी भूख है कि उन्होंने झूठे पत्र के आधार पर मध्य प्रदेश की छवि खराब करने का असफल प्रयास किया है। पहले उनके भाई ने झूठ बोलकर जनता को ठगा, अब प्रियंका झूठ परोस रही है। कांग्रेस नेताओं के इस कृत्य के खिलाफ बीजेपी कानूनी कार्रवाई करेगी। कल कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यूह रचना के तहत इतना बड़ा झूठ बोलने का काम किया है कि एक फर्जी पत्र जारी करके और इस पत्र के माध्यम से कांग्रेस के द्वारा ये बताने का प्रयास करना कि मध्य प्रदेश के अंदर एक तथा कथित किसी ठेकेदार के नाम से झूठा पत्र जारी किया, कोई एसोसिएशन के नाम से, और दुर्भाग्य इस बात का है कि इस झूठ को जो मैं हमेशा से कहते आया हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह और मिस्टर करप्टनाथ कमलनाथ ये मध्य प्रदेश के अंदर झूठ बोलने की मशीन हैं, और कल तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। इस पत्र के माध्यम से झूठ बोल करके केंद्रीय नेतृत्व को भी, चाहे वो श्रीमान प्रियंका श्रीमती प्रियंका गांधी होंगी या श्रीमान राहुल गांधी होंगे, इनसे भी इस पत्र झूठे पत्र के आधार पर ट्वीट कराकर जो प्रयास किया है वो दुर्भाग्यजनक मात्र नहीं है, ये कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को आज देश के अंदर दिखाई देता है। कांग्रेस तो दिन भर एक ही काम करती है, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, जब देखो तब झूठ बोलना है। कर्नाटक के अंदर अगर आपने इस प्रकार के जो प्रयास किए, आप उस झूठ को परोसने का काम, क्योंकि कर्नाटक में कल मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि वहां के जो ठेकेदारों की एसोसिएशन ने वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए जिस 15% के कमीशन की बात ऑफिशियली वहां लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही,
आप उस बात का काउंटर यहां करना, और एक बार काट की हाड़ी चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। तुम्हारे जो स्ट्रेटेजी मेकर हैं, ये मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश के अंदर झूठ परोसने का जो आपने काम किया है, कौन है भैया ये, कहां है ये, जिनके नाम से ये पत्र जारी हुआ है, कौन सा एसोसिएशन है, ये कॉन्स्पिरेसी है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपने झूठा पत्र बनाकर और इस पत्र को मीडिया में सर्कुलेट करके आपने न्यायालय तक को नहीं छोड़ा है। आपके अंदर सत्ता की इतनी भूख है कि आप परेशान है इस बात के लिए कि कैसे झूठ परोस करके मध्य प्रदेश के अंदर ये किया जाए। ये मध्य प्रदेश के अंदर नहीं हो सकता, आप भ्रम में हैं। आपने जो कॉन्स्पिरेसी की है, आपने ये जो अपराध किया है साइबर क्राइम के अंदर भी, भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के कड़ा एक्शन करेगी। प्रियंका गांधी जी जवाब देना पड़ेगा कि पत्र कहां से आया, ये झूठे पत्र के आधार पर आपने देश को गुमराह किया है, केवल मध्य प्रदेश को नहीं, देश को गुमराह किया है। पहले आपके भाई झूठ बोल करके इन्हीं मध्य प्रदेश के नेताओं ने, यही बंटा ढार और करप्ट नाथ ने आपके भाई को झूठा साबित कर दिया मध्य प्रदेश के अंदर। आपके भाई अब मुंह दिखाने लायक मध्य प्रदेश के अंदर नहीं बचे, अब आपको भी आज इन्होंने झूठा साबित कर दिया। कांग्रेस के नेतृत्व को जवाब देना पड़ेगा, इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे हम। इतना झूठ परोसने का काम, और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया, जो गुड गवर्नेंस दिया है, आप भ्रम में हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो काम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस राजनीति का भारत के अंदर जो परिदृश्य बदल दिया, कि आपके कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि 85 रुपया भेजते हैं 85 भ्रष्टाचार में चला जाता है, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के राजनीतिक इतिहास में इस दलालों की और बिचौलियों की व्यवस्था को खत्म करके आज डीबीटी के माध्यम से अगर 1 रुपया चलता है तो 99 पैसे नहीं, 1 रुपया ही गरीब के खाते में जाता है, ये भाजपा की सरकार है। फिलहाल प्रियंका गांधी का ये ट्वीट काफी वायरल है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी सरकार के ऊपर कमीशन खोरी का आरोप लगा रही है, वहीं अब वीडी शर्मा ने ऐलान कर दिया है कि वो प्रियंका गांधी के खिलाफ एक्शन लेंगे, उनके इस ट्वीट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा वो एमपी तक आपको सबसे पहले देगा, लेकिन फिलहाल प्रदेश में प्रियंका गांधी की और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।